अब यही साड़ी पहननी है। फुल पाटलीन भाई आज बारात आ गई है। नवारी कैसी लग रही है? हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम काजल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 फरवरी, मतलब आज मेरी शादी है। बहुत मस्त फीलिंग है। अभी सुबह के 5 बजे मुझे अभी फटाफट रेडी होके जाना है हॉल पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे मेकअप आर्टिस्ट हेयर आर्टिस्ट सब आएंगे और मेरा सारा मेकअप करेंगे। इट्स अ वेरी स्पेशल डे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। कल का मेरा प्लान था हल्दी में कि मैं 8-9 बजे तक फ्री हो जाऊँगी, बाकी को जितना एंजॉय करना है करने दो। मैं 8-9 बजे तक एंजॉय करके फिर मैं सोने चली जाऊँगी और एडिटिंग करूँगी और फिर सोने चली जाऊँगी। 1 घंटा तो एडिट कर लूँगी ऐसा मैंने सोचा था, बट मेरी हल्दी में मुझे कोई छोड़ ही नहीं रहा था। सब नाचो 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 और हम लोग इतना डांस किया ना कि मेरा ये हाथ है ना ऐसा ऊपर कर करके दुख रहा है अभी। तो बेसिकली मुझे सोने में 2 बज गए और अभी मैं फट से 2-3 घंटे में उठ के अब जा रही हूँ हॉल पे। वी आर इन द कैब हेडिंग टुवर्ड्स द हॉल और मेरे साथ अभी भाविका है और मुझे सब लोग पूछ रहे हैं तुझे कैसा लग रहा है। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू भाविका, तुझे कैसा लग रहा है? ओह माय गॉड, 25 साल तूने एकदम इतने अमेजिंग पर्सन, 25 नहीं 24 साल तूने इतने अमेजिंग पर्सन के साथ बिताया, वो जा रही है तुझसे दूर, तुझे कैसा लग रहा है? नहीं जा रही है वो, इधर 5 किलोमीटर भी नहीं है और ऐसे थोड़ा लग रहा है ऐसा, लेकिन कुछ नहीं, उसकी शादी है, शादी तो होनी थी। और विकी को एनी वार्निंग? वो तो देखते हैं, उसको तो रोज ही दूंगी मैं वार्निंग एक एक अलग। मैं भावे के ब्लॉग में बोल रही थी कि सब कुछ ऑन टाइम हो जाए और मैं यहाँ पे हॉल पे आई और हॉल का गेट बंद, तो उसे खुलने में जरा 5-10 मिनट लग गया लेकिन वो उधर टाइम चला गया। एंड मैं मेरा शादी भी उसी हॉल में कर रही हूँ जहाँ पे मेरा एंगेजमेंट हुआ था, उन्हीं का दूसरा पार्ट ऑफ द हॉल सेम एरिया में है, वहाँ पे मैं मेरा शादी कर रही हूँ। एंड मैं मेरा मेकअप भी उसी से कर रही हूँ जिसने मेरा एंगेजमेंट किया था। हाय। और ये भी न्यू ब्राइड है। मेरा मेकअप अप हो चुका है और मैं अभी फिर से मेरी कल वाली साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि हम लोग में हल्दी वाली साड़ी से ही स्टार्ट होता है। एक्चुअली शादी में भी हल्दी वाली साड़ी पहनते, लेकिन मैंने परमिशन ली पंडित जी से कि मुझे और साड़ी पहननी है, बट शादी से पहले जो गणेश पूजन होता है उसमें मुझे अब यही साड़ी पहननी है। एंड थोड़ा सा लेट हुई हूँ मैं क्योंकि गेट खुलने में टाइम लग गया था, थोड़ा यू नो कट टू कट टाइम क्योंकि हम लोगों ने रखा था, मतलब 10 मिनट का डिले है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है चलता है। इंडियन वेडिंग्स कैसे टाइम पे होगा? गणेश पूजन हो गया है, थोड़ी देर में विकी बारात लेके आएगा एंड ये लोग सब जाएंगे और मुझे वीडियो कॉल करना वहां से क्योंकि कैसे बारात लेके आ रहा है। ठीक है तब तक, लेकिन तू नहीं देख सकती बारात, वीडियो कॉल भी देख सकती हूँ ना। अरे तू भाई जॉइन हो ना बारात मध्ये? नहीं ना, बघायचं नसतं। नाही बघायचं नसतं असं असतं काय तरी, चोरी छुपे बघू शकते म्हणून आम लोग व्हिडिओ कॉल करते ना। मेरे को तुम लोग वहां जाके एंड तुम लोग उसको एंट्री के लिए पैसे भी मांगना, थोड़ा लूटो यार जीजू को। मेरे को तो बहुत पैसे चाहिए, इतना इन लोग का काम किया है। अभी मेरा नवा ही चालू है। एक्चुअली मैंने मेरे ब्लॉग में बोला था कि मेरे को जो कलर चाहिए था वो मिला नहीं मुझे, चाहिए एकदम वो मरून रेड जो दुल्हन वाला रहता है, बट मुझे पूरे थाने में कहीं नहीं मिला। और वो थाने वाले सूरत वाले को भी कॉल कर रहे थे कि मरून रेड में नौवारी है क्या, तो नहीं था, मतलब सवारी आ रहा था बट नौवारी नहीं मिल रहा था। तो आई सेटल फॉर दिस कलर, बट आई गेस दिस इज ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस लग रहा है ना। बहुत अच्छा, तू तो आज अच्छी लगेगी सबसे। बाबा काय दिसते, ये इकड़े पुढ़े फुल पाटलीन भाई वेरी ब्यूटीफुल। गाइस बारात आ गई है पर हमें से कोई भी रेडी नहीं है। अभी मेरे को मित्तल रेडी कर रही है, ऑलमोस्ट रेडी,
वो पूजा जाना था इसलिए हम लोग हाफ रेडी होकर ही मैं चली गई थी पूजा में, तो अभी जो भी बचा कुछ था वो कर रही है। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ एकदम प्रॉपरली एंड मुझसे गड़बड़ हो गई थी, ये जो रहता है इयररिंग वाला पार्ट ये मैंने नहीं लिया था, थिंकिंग कि बहुत ओवर हो जाएगा, बट सबने कहा कि ये कहाँ है, ये तुझे लगाना ही चाहिए एंड गेस व्हाट, सो मैंने ये पहना हुआ था, उसने अपना उतार के मुझे दे दिया। हाय राज, मेरा विकी कैसा लग रहा है? नहीं नहीं मैं उसको उधर देखूंगी। अभी मैं ये पहन रही हूँ, ये मंगलसूत्र की तरह लग रहा है लेकिन ये मंगलसूत्र नहीं, इसको मुहूर्तमणि बोलते हैं, पर आई हैव नो आइडिया ये क्यों पहनते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना। दिस इज माय नवारी, कैसी लग रही मैं? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, मस्त है। अभी हम कन्यादान करने वाले, जो यूजुअली मामा करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी रेडी मेरा कन्यादान कर रही है। कन्यादान नमस्कार नमस्कारोमी। Guys, the wedding was so hectic, but I am married. Look at this, sindoor, mangalsutra, your Kiki is married now. बोलते हुए भी बहुत ऐसे वाओ फीलिंग आ रही है, बट हाँ बहुत ज्यादा मेजर फकअप हुए आज, क्योंकि हमने एक एयरबीएनबी बुक किया था एंड मेरी गलती, मैंने नहीं देखा उसका प्रॉपर लोकेशन, बस थाने था इसलिए बुक कर दिया, बट इट टर्न आउट टू बी समवेयर इन भिवंडी विच इज़ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, मतलब हमारा जो लोकेशन था हॉल, तो हमने वो कैंसिल किया एंड कोई होटल्स मिल ही नहीं रहे थे, ऊपर से मेरे साथ पूरी मेरी टीम थी, मित्तल की उसकी टीम थी, मेरी मम्मी थी, तो बहुत डिफिकल्ट था इतने लोगों के लिए होटल रूम ढूंढना, तो फाइनली अभी एक होटल रूम मिला, इट्स लाइक एन अपार्टमेंट, अभी हम यहाँ पे आए। एक्चुअली मैंने सोचा था शादी के बाद थोड़ा एक घंटा ना मेरे को सोने का टाइम मिल सकता था, बट क्योंकि अभी घर का इतना मेस हो गया है अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं सोने का, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मेकअप उतारना है, कपड़े उतारना है एंड आई हैव टू अगेन गेट रेडी एंड आई एम रेडी नाउ। ये रहा मेरा रिसेप्शन लुक,
और सुबह वाला था एकदम महाराष्ट्रियन और अभी मैं एकदम हॉट वेव बन चुकी हूँ. एंड ऑल थैंक्स टू मित्तल एंड हर टीम. देखो मैं लाइट मुझे दे दो. मित्तल एंड हर टीम आपको भी थैंक यू गाइस. थैंक यू थैंक यू. फिर अभी और कुछ ओकेजन में इट वॉज एज यूजल वंडरफुल अमेजिंग. वो मुझे पूछ रही है क्या लुक करना है एंड आई एम लाइक कर दो कुछ भी आई ट्रस्ट यू. एंड ऑनेस्टली मैंने कुछ भी सर्च वर्च कुछ नहीं किया था. ऐसा था कि कर लो और अच्छा ही किया है. बहुत अच्छा किया इनफैक्ट. थैंक यू. आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन न्यू ब्राइड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. यू आर आल्सो ब्राइड नाउ. हो गई मैं भी ब्राइड हो गई. हाँ चलो बाय 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 बाय. पिक्चर्स डिस्प्ले हो रहा है जो हमने भी अभी तक नहीं देखा है. एंड पिक्चर्स आर सो क्यूट. विक्की कितनी क्यूट क्यूट पिक्चर्स आ रही है. हमारा प्री वेडिंग यहाँ पे प्ले होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड. आप सबसे मेरे सारे गेस्ट पहले देखने वाले हैं. क्या वीडियो थी यार. कैसी लगी. बहुत मस्त. स्पेशली तेरा यूनिफॉर्म हमेशा से बोलते आई हूँ मैं. ये देखो ये दोनों को. मेरे फ्रेंड्स ने अभी जो सरप्राइज किया वो हमारे लिए डांस परफॉर्म करने वाले हैं. हैव अ लुक. हेलो मिसेस पाटिल. काजल स्ट्रॉन्ग भी बिल्कुल रोई नहीं. पाँच हजार डालने का. हाँ पाँच हजार अरे आता आधीच ते घडली आहे. जाऊ दे सर. हे नाव घ्या सर. तू नाव घ्या. प्रेमाची कविता प्रेमाचे लेख काजल माझी लाखात एक. अरे वा. साडी नेसते फॅशनची पदर घेते साधा. साडी नेसते फॅशनची पदर घेते साधा. विक्रांत माझा कृष्णा आणि मीच त्याची राधा. अरे वा वा. देवघरात जायचं दोघांनी.
अरे कंफ्यूज मत होना, मेरी शादी होके 6 दिन हो गए हैं, मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी और आज मैं मेरे घर पे आई हूँ तो आज मेरे घर से ही मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी मैं व्लॉग एंड करना भूल गई। एक्चुअली इतना सब कुछ हो रहा था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप व्लॉगिंग द एंटायर थिंग, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। जितना भी मैं व्लॉग कर सकती हूँ उतना मैंने किया, जितना भी मेरा जो सेलिब्रेशन माई कल्चर माई ट्रेडिशन मैं आपको दिखा सकती हूँ मैंने उतना दिखाने का कोशिश किया। एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि व्लॉग फटाफट डालूंगी, बट वो मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी और फिर शादी के बाद भी बहुत सारे पूजा रिचुअल, इसको मिलो उसको मिलो वो सब था। सो फॉर दैट रीजन आई कुडंट कीप माई प्रॉमिस, बट हियर इज माई शादी व्लॉग। आई होप आप लोगों ने ये एंजॉय किया। जब मैं विकी घर आई तब मैंने सोचा था मैं व्लॉग एंड कर दूंगी, लेकिन वो विदाई में इतना सारा रोना धोना हुआ, फिर घर पे जाके भी मेरे को थोड़ा सा मम्मी डैडी की याद आ रही थी तो मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया, इसलिए आज व्लॉग एंड कर रही हूँ। बट सो फार माई एक्सपीरियंस इज ग्रेट, दिस फीलिंग ऑफ मैरिज इज समथिंग एल्स। आपको ग्लो तो दिख ही रहा होगा। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स माई रिलेटिव जिन्होंने भी इतना हेल्प किया मुझे, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। ऐसे ही आप प्यार करते रहना एंड अब मेरे साथ मेरे विक्रांत को भी उतना ही प्यार देना। ओके बाय।